इंडस्ट्री में रितेश पांडे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। रितेश पांडे ने अपनी खुद एक अलग आइडेंटिटी बनाई है, उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है और उनके फिल्मों का भी अब लोग इंतजार करते हैं। भले ही पहले उनकी फिल्मों में कोई क्वालिटी नहीं होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी फिल्मों में भी क्वालिटी नजर आती है। कहा जा रहा है ये सब अक्षरा सिंह का असर और रितेश पांडे भोजपुरी जगत में पवन सिंह यानी कि नेक्स्ट पवन सिंह का ओहदा पाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अक्षरा सिंह का साथ चुना है। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या सच में रितेश पांडे भोजपुरी के नेक्स्ट पवन सिंह बनना चाहते हैं या सिर्फ ये अफवाह कोरी मात्र है? खैर, इन सब चीजों से हम आपको रूबरू तो करवाएंगे ही, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें नोटिस कीजिए। पवन सिंह और रितेश पांडे में कॉमन क्या है? कॉमन उनकी गायकी है, कॉमन उनकी बॉडी लैंग्वेज है और कॉमन दोनों बिहार से हैं। सिर्फ इन तीन चीजों को छोड़ दिया जाए तो उनमें कॉमन एक और चीज है। कभी अक्षरा सिंह पवन सिंह का पास थी तो अक्षरा सिंह आज रितेश पांडे का प्रेजेंट है। बस इससे ज्यादा उनमें कॉमन कुछ नहीं है। फिर क्यों लोग रितेश पांडे में पवन सिंह की छवि को ढूंढ रहे हैं? क्यों लोग अक्षरा सिंह जब तक रितेश पांडे की लाइफ में नहीं आई थी उससे पहले लोग रितेश पांडे में पवन सिंह की छवि नहीं देखते थे, लेकिन अचानक लोगों का नजरिया इतना चेंज रितेश पांडे की तरफ से क्यों हो गया? आपको यहाँ एक और चीज बता दे कि रितेश पांडे कभी जिन फिल्मों का 2 से 3 लाख रुपए लेते थे आज वो पर फिल्म 4 से 5 लाख डिमांड करते हैं। लोग कह रहे हैं कि जब से अक्षरा सिंह ने रितेश पांडे का या रितेश पांडे ने अक्षरा सिंह का दामन थामा है उनके भाव बढ़ गए हैं। आइए हम बताते हैं कि माजरा शुरू कहां से हुआ है। आप सभी को तो पता है कि गायकी में रितेश पांडे का कोई सानी नहीं है। उनकी गायकी इतनी पसंद की जाती है कि उनके एल्बम आते नहीं कि उन्हें हिट होते देर नहीं लगती। चाहे उनके गाने पीवा से पहले हमार रह लूं या अभी हाल ही में लेटेस्ट कंट्रोवर्सी में रहा गाना पांडे जी का बेटा हूं, सभी सुपरहिट रहे हैं। उनके एल्बम्स की लोग जमकर तारीफ करते हैं और हर पार्टीज की शान रहते हैं उनके एल्बम के गाने। ये एक महज संजोग मात्र है या फिर ऐसा होना ही था कि एक तरफ जहां पवन अक्षरा एक दूसरे से अलग होते हैं, वहीं ठीक पवन से अलग होने के बाद अक्षरा रितेश पांडे के साथ बैक टू बैक 3 से 4 फिल्में साइन कर लेती है। इससे पहले अक्षरा सिंह कभी किसी और स्टार के साथ लगातार फिल्में साइन करते नहीं देखी गई जब तक पवन सिंह उनकी लाइफ में थे। और ये वही अक्षरा सिंह है जो कभी रितेश पांडे को ठीक से जानती तक नहीं थी, लेकिन आज यही अक्षरा सिंह है जिन्हें रितेश पांडे की तारीफ करते फुर्सत ही नहीं मिलती। साथ ही जब अक्षरा सिंह का पिछले महीने बर्थडे था तब भोजपुरी का कोई भी बड़ा सितारा उस बर्थडे में नजर नहीं आया सिवाय रितेश पांडे के। तभी भी ये कहा जा रहा है कि अभी भी उन दोनों के बीच कुछ नहीं है, दोनों कॉमन फ्रेंड है। हम मानते हैं कि वो दोनों कॉमन फ्रेंड है, लेकिन अचानक से अक्षरा सिंह रितेश पांडे को कॉमन से फिर क्यों स्पेशल बनाती जा रही हैं? क्या अक्षरा सिंह डर गई हैं कि पवन सिंह से उनकी दुश्मनी उन्हें भारी पड़ने वाली है आगे चलकर भोजपुरी इंडस्ट्री में? भले ही वो कितने ही सुपर डुपर हिट एल्बम्स दे लें, भले ही उनकी कितनी भी फैन फॉलोइंग हो, भले ही वो बगैर पवन सिंह के कितनी भी फिल्में साइन कर लें, लेकिन पवन सिंह का जो नाम उनके पीछे लग चुका है वो इतने जल्दी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बात भली भांति कहीं न कहीं अक्षरा सिंह बखूबी जानती है, इसलिए शायद वो रितेश पांडे का सहारा ले रही, क्योंकि निरहुआ और खेसारी उनकी वो मदद नहीं कर सकते अब जो कि पवन के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे
तब की जा सकती थी। हाँ, ये बात और है कि खेसारी के साथ वो एक फिल्म भी कर रही हैं और बीच में ये अफवाह उड़ी थी कि खेसारी के साथ उन्हें उस फिल्म में पवन सिंह निकलवाने का दबाव डाल रहे हैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पर, लेकिन वो सारी बातें बाद में पता चली कि अफवाहें हैं। खैर, लेकिन इसके पीछे चाहे जो भी रीजन हो, लेकिन ये तो तय है कि अक्षरा सिंह के लाइफ में रितेश पांडे कुछ खास तो बन ही गए। भोजपुरी जगत की मसालेदार और हॉट गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।